नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से और एक नए कमाल और फिर स्टूडियो में। आज की स्टूडियो में जैसे आपने थंबनेल देखा होगा कि ये वायर एयरपॉड्स एप्पल की एयरपॉड्स इस एयरपॉड प्रो से बेहतर है, आज के स्टूडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे भी है फिर भी इसको लेना वर्थ नहीं है अगर आप इसको लेते हो तो। चलिए ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मयूर, आप देख रहे हैं एमएसबी टेक। तो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे TWS वर्सेस एप्पल के एयरपॉड्स या एप्पल के वायर्ड ईयरफोन के बारे में। ऐसा नहीं है कि टाइप सी अभी इंट्रोड्यूस किए, इसके पहले भी ये थे, लाइटनिंग पोर्ट के साथ भी आते थे। उस टाइम पे भी मेरा रिकमेंडेशन था कि इसी को खरीदना चाहिए ओवर द एप्पल एयरपॉड प्रो या एप्पल का कोई भी आप TWS ईयरबड्स लेते हो उससे बेहतर ही आपको इसकी सभी प्राइस फॉर मनी या उसका ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और सबसे मेन जो मुझे फैक्टर लगता है पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करें तो वो है दोस्तों चार्जिंग का। आपको इसको कभी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं, इसको चार्ज करना पड़ता रहता है। तो उस मामले में भी क्या होता है कि कई बार मेरे साथ हुआ है कि मैं अगर मतलब कहीं पे मुझे कुछ सुनना होता है और मैं उस टाइम पे चेक करता हूँ तो ये मेरा चार्ज नहीं होता है। आप ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैं इसको टाइम टू टाइम चार्ज नहीं करता हूँ, लेकिन उस केस में क्या है कि अगर आपके पास ये है तो ये आपको प्रॉब्लम मतलब फेस ही नहीं करना पड़ेगा कभी, इसको चार्ज करने का काम ही नहीं है। आगे बात करना चाहूँगा दोस्तों इसके ऑडियो क्वालिटी या वॉइस एक्सपीरियंस साउंड एक्सपीरियंस जो भी आपको देखने को मिलता है उसमें क्या होता है कि आपको जो वायर्ड ईयरबड्स है या ईयरफोन्स है सॉरी, इसके आपको जो ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी वो काफ़ी सही देखने को मिल जाती है। अगर इसके साथ भी कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब ड्रास्टिकली चेंज आपको देखने को मिलेगा या आपको मतलब इसका जो प्राइस है उस हिसाब से इसका मतलब जो भी परफॉर्मेंस रहेगा ऐसा रहेगा या ऑडियो कुछ अलग ही लेवल का देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत बेटर है इसमें, लेकिन जब बात आती है दोस्तों इस प्रोडक्ट की तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और ऊपर से ये हाफ ईयर या हाफ इन ईयर बोलते इसको कुछ, तो उस हिसाब से इसका फिटिंग भी मुझे काफ़ी सही लगता है। इस ये क्या है कि मैं अगर हाफ एन आवर के लिए पहनता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कान से बाहर निकल जाते हैं। अब ये फिर से सब्जेक्टिव हो सकता है, मेरे ईयर के हिसाब से ये परफेक्ट नहीं है, किसी और के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए अगर हम फिटिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका फिटिंग मुझे काफ़ी सही लगा, आप घंटों तक इसमें मतलब सुन सकते हो। मैं बेसिकली इसको गेमिंग के लिए यूज़ करता हूँ तो 2 या 3 आवर्स के लिए भी अगर आप गेम करते हो कंटिन्यूसली फिर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो गेमिंग के हिसाब से अभी बात कर ही लिए तो गेमिंग के बारे में बात करना चाहूँगा दोस्तों। आप कितना भी अच्छा एयरपॉड प्रो ले लो, एप्पल के साथ यूज़ करो या एंड्रॉयड के साथ यूज़ करो, लेकिन जो वायर्ड क्वालिटी देखने को मिलती है ना इसकी अलग ही लेवल की देखने को मिलती है। काफ़ी क्लियर इसमें आपको फुटस्टेप वगैरह देखने को मिल जाएगी या सुनने को मिल जाते हैं अगर आप BGMI जैसे कोई गेम खेलते हो बैटल ग्राउंड्स। और बाकी गेम की तो जैसे मैंने बता दिया, लेकिन बाकी अगर आप जैसे मूवीज़ वगैरह देखते हो मोबाइल में या वीडियो सॉन्ग्स वगैरह देखते हो ना, तो उस केस में क्या है कि आपको जो लिप सिंक होता है जो भी आप वीडियो देखते हो उसमें आपको वॉइस क्वालिटी इसमें काफ़ी मतलब मैच होता है, डिले नहीं देखने को मिलता ना तो लेटेंसी होती है। इसमें क्या है कि वीडियो के मामले में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वो लिप सिंक वगैरह हो ही जाता है और आप एक बार एडजस्ट हो जाते हो उस सिचुएशन के लिए तो फिर आपको इतना बॉदर नहीं करेगा। लेकिन मैं पर्टिकुलर इसको नोटिस करता हूँ ना तो मुझे ये मतलब इतना अनोइंग सा चीज़ लगता है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैटर या एक मामले में मुझे अच्छे लगते हैं, अगर आपको MP3 सॉन्ग सुनना है या आपको सिर्फ ऑडियो सॉन्ग सुनना है जिसका वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, गेमिंग से कोई लेना देना नहीं है, और आपको मोबाइल कहीं और रखा है और आप मतलब पीसफुली कोई म्यूज़िक सुनना चाहते हो, सिर्फ उस केस में मुझे एयरपॉड प्रो या TWS वाला कंसेप्ट समझ में आता है। अदरवाइज़ मुझे TWS ईयरबड्स या एयरपॉड्स प्रो बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। उसके ऊपर या उससे बेहतर ये एप्पल के एयरपॉड्स है दोस्तों या वायर्ड ईयरफोन है। और अब बात आती है दोस्तों कि टाइप सी तो काफ़ी और भी हमको वायर्ड ईयरफोन देखने को मिल जाते हैं, तो उस मामले में सिर्फ ये एप्पल का ही प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है दोस्तों कि ये आपको 2000 रुपीज़ में देखने को मिलता है, हाँ बात करूँ अगर इसके बिल्ड क्वालिटी या इसका जो वायरिंग है वो इतना प्रीमियम नहीं है, मतलब ऐसा हार्ड क्वालिटी नहीं प्रीमियम है लेकिन ऐसा एकदम रोबस्ट नहीं लगता है क्योंकि जो ब्रेडेड केबल आती है वो नहीं है इसमें, नॉर्मल सी केबल, ये कट सकती है कभी भी मतलब आसानी से भी अगर फंस जाती है कहीं पर तो ये टूट जाएगी मेरे ख्याल से, लेकिन ऑडियो क्वालिटी में सही है। और हाँ, अगर दूसरी बात करो तो मैंने काफ़ी अभी सुने कुछ इन ईयर मॉनिटर या IEM ईयरफोन्स भी अभी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं टाइप सी के साथ में या 3.5 mm जैक और उसके साथ कन्वर्टर भी लेना पड़ता है, तो वो मतलब चीज़ अच्छी है। अगर आपको काफ़ी डिटेल में म्यूज़िक सुनना है तो उस मामले में आप जा सकते हो। इसकी इसका क्या है कि आपको मतलब एक अटेंशन भी मिलेगा, अगर आप पब्लिकली कहीं पर ये यूज़ करते हो तो आसानी से डिटेक्ट हो जाती है कि एप्पल का एक प्रोडक्ट है, तो वो अगर आपके लिए कंसर्न है तो उसके लिए आप इसके तरफ जा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास सिर्फ आईफोन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, मैं अभी फिलहाल मेरे S24 Ultra में इसको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा आउटपुट मुझे देखने को मिला है। साथ ही में जो भी आपके पास टाइप सी के गैजेट्स है या जो भी डिवाइस है ना सभी में ये कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। अभी मैं लैपटॉप के साथ भी इसी को यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादातर, जब भी गेमिंग करनी है या वीडियोज़ देखने हैं तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर MP3 सॉन्ग सुनने हैं तो मैं इसका यूज़ में
लेता हूँ एयरपॉड्स प्रो। फाइनली बात करना चाहूँगा दोस्तों इनके प्राइस की, तो ये है 2000 के और ये लगभग है 20,000 के। अगर आप कभी भी लेते हो तो लगभग आपको एयरपॉड प्रो या सेकंड जनरेशन 20,000 रुपीज़ में मिलते हैं और ये 2000 रुपीज़ में। सीधा सीधा यहाँ पे एक जीरो का डिफरेंस आता है दोस्तों, जबकि आपको बताऊँ तो 18,000 का डिफरेंस है। तो उस मामले में तो बोलता हूँ अगर कटवट भी ये हो जाते हैं, आपकी गलती से गुम हो जाते हैं, फिर भी 2000 रुपीज़ में फिर से एक बार लेना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये मिस हो जाते हैं या गुम जाते हैं तो फिर 20,000 रुपीज़ और इस पर स्पेंड करना मतलब मुझे बेवकूफ़ी वाली चीज़ लगती है। अगर आपके पास पैसे भी हैं फिर भी आपने ये ख़रीदना नहीं चाहिए। हाँ, पैसे अगर आपका मतलब कंसेप्ट ऐसा है, आपके पास अंधा पैसा है, आपको मतलब प्राइस टैग देख के कोई प्रोडक्ट लेना ही नहीं है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए मतलब ज़्यादा वर्थ नहीं है। फिर तो आपके लिए मतलब वैल्यू फॉर मनी या कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती, आप आसानी से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आप बिग बिलियन डेज सेल जैसे या कोई ऑफर में कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो और ऑफर में इसकी प्राइस कम होने पर अगर इसको लेने की सोच रहे हो तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ये बिल्कुल वाहियात प्रोडक्ट है। अगर आपको प्राइस टू मतलब परफॉर्मेंस रेशियो या प्राइस टू जो भी आपको ये प्रोडक्ट मिलता है प्राइस रेशियो के साथ में, मुझे बिल्कुल भी मतलब सही या बिल्कुल भी रास नहीं आया ये प्रोडक्ट, तो इसको नहीं लेना चाहिए। TWS अगर आपको लेना है तो आप वो भी 2-3 हज़ार के ले सकते हो, अगर सिर्फ MP3 या आपको वायर का कोई झंझट नहीं चाहिए उस मामले में। लेकिन गेमिंग वगैरह करने के लिए ये बहुत सही है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा रहेगा दोस्तों कि अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है फिर तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये आपने बिल्कुल लेना चाहिए। और अगर आपके पास एंड्रॉयड का भी कोई अच्छा फ़ोन है या मतलब नॉर्मल सा भी कोई भी फ़ोन है तो आप इसको ले सकते हो। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई सवाल हो या सजेशन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए